इकबाल भैया मेरे पास पैसे की संपत्ति नहीं है, हाँ बट मैं जिंदा हूँ, खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास दुआ की संपत्ति है। तो आप ये मत कभी सोचिएगा कि पवन ने आपको पैसा दिया। मेरे तरफ से आप जो ये शुभ पूजा करवा रहे हैं हमारी बहनों का शादी करवा के, उसके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है भैया। और मैं अब बता दूं गोपाल जी, सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें 5,01,000 रुपया है। इन हमारी बेटियों के लिए पवन जी, मैं बता दूं कि जिस आदमी पर अगर इन बेटियों का आशीर्वाद होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह होता है। आज इस मंच से आप बादशाह हैं और बादशाह की एक अलग उपाधि लेकर जा रहे हैं। अगर कल पावर स्टार लगता है तो उसके आगे बादशाह भी जोड़ा जाएगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी छोर भाई पवन सिंह जी के, और उपहार स्वरूप सहयोग में हमके 5,00,000 रुपया देले बने। आ कहून की कुल बात न बते भी, आप परसों फोन के ले रहो तो कहूँ की जल्दी अकाउंट नंबर भेजा और ही भेज ले वालों कहूँगे कौन क्यों न बताई है मंचवे वाला बताई है यही के कहा जाला पावर चार पावर एजेंसी से शुरू होगा। जवान पवन सिंह पूरा हिंदुस्तान ना दुनिया में कम से कम भारत में 20,00,000 रुपया कम से कम 25,00,000 रुपया लेके जालन करोड़ों के कीमत बा पवन सिंह के। वो यहाँ फ्री में आके गाँव तड़े 5,00,000 रुपयो दे रहे हम रखे खाता वाला ने क्या अभी बताओ के जोड़ दे तो बहुत हो जाए। बहुत बहुत पूरा मंच के तरफ से अब कतना शब्द कही शब्द कम बा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहो तो आप चाहो तो समंदर पी जाओगे, जिस दिन आप प्यासे हो जाओगे। यह पावर है आप में, यह कुवत है, यह क्षमता है। हमारे पवन जी के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियों का महोत्सव करें। भाई बहन है भाई, नाना व्यास जी ओरिजिनल बात देखा जाए तो बचपन से भाई बहन है। जीदियो जी ऐसे रिश्ते का ऐसे अनादर मत करो प्लीज। जीदियो जी खा दिए बड़े हीनो खा दिए बड़े उनको आका दे भाई, इनको खराई ना रहता। बताइए यार गोपाल भैया बोल रहे हैं हीना राखी बांधती है जिद्दी को। अरे पहले नहीं बांधती थी, अब नहीं बांधती है। हां बदलियो सकल है फिल्म में। जब से गोपाल भाई जब से जिद्दी जी खाली हो गए तब से राखी के सामान खत्म हो गए। फिल्मी दुनिया है ब्रो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। हां रितु जी जी सर, छोटे पापा बोलूं मैं अभी? बोलो बोलो बोली हो बोलो। देखिए सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं बोलने की बहुत हिम्मत जुटाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पवन जी को अपना गुरु मानती हूँ। आप सबके सामने मैं यही बैठ चुकी प्रणाम करती हूँ आप सभी का, और अभिनंदन करती हूँ गोपाल राय जी का जो हर साल ये योजना करते हैं गढ़ा महोत्सव, और ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि पवन जी की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, और आप लोग का प्यार ही है जो यहाँ तक वो खुश रहते हैं स्टेज पे। हम सब एक परिवार हैं, हम कहते हैं फिल्मी हैं लेकिन नहीं, हम परिवार हैं। तो मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो बोले तो बरस जाते हैं, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो बोले तो बरस जाते हैं और कभी ना बोले तो आपके बोल को सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। बस ये बोला था, और बस ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम लोग हमेशा हर साल इस महोत्सव में आते रहें और आप सबका मनोरंजन करते रहें। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच रितु, आपका सोच इतना बढ़िया है। मैं क्या करूं, सष्टांग हो जाऊं? नहीं नहीं, आप मेरे लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सबके सामने। मैं एक बात में हमारी एक बहुत पहले फिल्म आई थी, मैं जिस फिल्म से लॉन्च हुई हूं इंडस्ट्री में। रुक 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 ना, एक और रिक्वेस्ट सुन सुन पहले सुन। नाग नागिन बन के हमनी के पेड़ में लपटा तनी जाए, आओ हो जाए को भाव बा। धड़ के जिया हमर धड़के जिया हमर हमर छछने लहिया का कहिए
सखी। दारू तो बहुत पहले के चीज बा। हां भाई दारू बहुत बाद के चीज बा। बहुत बाद में है दारू। हीरोइन कहती है अरे पिए ला हीरोइन सैया सड़के जिया हमर छछने लहिया का कहिए सखी रखल बा हीरोइन। जी हाँ, एक बहुत प्यारा गाना है और पवन जी के साथ हर एक कलाकार का सौभाग्य होता है कि स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लकी स्टार माने जाते हैं। और एक गाना है बोले दे बा। बोला बोला नहीं ऐसे मत बोल, बोले दे बगिना रे बोला, मैं बोल रहा हूँ ना बोल बोल बोला हंसो हम सुना हंसो तू बोला हंसो बोले दे बगिना रे ना रे काहे रे सॉरी यार। एक गाना है आप लोग सुने भी होंगे। प्यास में पानी तू ही गगसा तू ही जिंदगानी सीना से लगा के धन भैनी तोहरा के पाके हाय सीना से लग जाइए खरीद का रही है कहतन किरी खाके की हम देखिले रोजे घर से अरावर चकर चलता केहू और से रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। देखिए अरे हितवा का सही है रे। हाँ हाँ सही है चौकारे पर चले तो देखो क्या है घर में आदमी घर की तरह रहता है जिम्मेदारी के साथ रहता है घर के बाहर निकलने के बाद हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद ही पवन सिंह को गायक बना दिया नायक बना दिया तो रे पगली मंच पे जाके हमको एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा। जरा बात यहाँ का तो भाव सुनो वहाँ जो भाव चलत रहा हमने के मन में आज बजाए तो अरे पगली वो रील था जो तुम देख रहे हो वो रील है तू रियल हो रे दादा। Oh my God, bless you. तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। चक्कर चलाता केहू और से रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। सही है अच्छा सही है। तीनों में से बोल कौन रहा है पहले ये कन्फ्यूज अपना गारी मैं अपना गारी ये अपना गारी है नहीं मैं आपकी तरफ से अच्छा मेरी तरफ से गारी ये लोग तो अलग तरफ से बोलो हम नहीं कभी आपकी तरफ से रहने आपके इधर से हो भैया आपके इधर से हो ये आपकी तरफ से भैया तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। बस जान जुदा हो गई क्या तब तेरे ना हो जाए दिल पर हाथ धके देखाई का कहता
होटली रौरे आना जाना लागल रहता पहाड़ धके देखाई का कहता कहाँ थे रात भर सब मुझे है खबर कहाँ थे रात भर सब मुझे है खबर कौन है जो ये जादू चला रही है सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है हमरा अगर मेरे ऐसे अगर मेरे अलावा बोला जाए तो एक लाइन बड़ी अच्छी है कि दर्द दिल के बढ़ा के गगिल लेकिन वो आपके लिए नहीं आपके लिए ये लाइन है जब आप बोली दिए ये आपको तो एक लाइन आपके लिए है कि दर्द दिल के बढ़ा के जाई और रुक ऐसन लगा के जाई आप हमरा के चार दिन इग्नोर जे करो इता चूना लगाई के जाई तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम सज के सब तोहरे खाती आई ला सज के सब जायद जान होई तो देखा हां देखा जी वो बोला बोला ना कि टेंशन तो सहने की आदत से हो गई सही भाई कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं एक किता और लड़ा फेर दी आई 3 करोड़ के हुके अरे जब से मुंबई पहुंच रही तब से कैसे मिला गाइस भाई कभी हाउ केस तक कभी हाउ केस तक कभी हाउ कलंक तक कभी हाई कलंक तभी तो बोला मैंने तभी तो बोला व्यास जी आपको ये सब सोचना ही नहीं है अरे पगली मैंने शुरू में क्या बोला मेरे पास पैसे की संपत्ति नहीं है मेरे पास दुआ की संपत्ति है ये भगवान मेरे सामने खड़े हैं इनका आशीर्वाद है तो बोल से कोई कुछ हिला नहीं सकता तू एक बॉल पर सब केस जीत जाता है जानने सीसा चमका बेलुका छत के ऊपर से प्यार जब करे बात बहरिया जगह प्यार जब करे बात बहरिया सीसा चमका बेलुका छत के ऊपर से सीसा चमका बेलुका छत के ऊपर से प्यार जब करे बात बहरिया है बिना है गाना के कोई से